अरे रोहित भैया कितनी शानदार पार्टी है, मजा ही आ गया देख करके। तो मेरा तो दिल बाग बाग हो गया भैया, आपने इतनी भारी पार्टी रखी है। आप तो सचिन से भी आगे चले गए भैया, आपका तो रिकॉर्ड वर्ल्ड कप में सबसे आगे हो गया भैया। लेकिन ये बात मुझे समझ में नहीं आती भैया, ये राशिद खान को आप दारू क्यों पिला रहे हो भैया, ये बात समझ में नहीं आ रही है। अरे भैया इतनी बेइज्जती करके हराओगे तो दारू क्या, हमको जहर दे दो, हम जहर पी के मर जाएंगे भैया। इतना कोई बुरा मारता है क्या भैया, सचिन तेंदुलकर को भी पीछे कर दिया भैया, ये कौन प्लेयर है, ये महान आत्मा है, ये महान प्लेयर है। अरे रोहित भैया कुछ जुगाड़ उगाड़ है का, गाना उना नचवाओ नचवाओ, गाना उना बजावाओ यार, कुछ मौज मस्ती हो जाइए। अरे मुराद भाई आपको मैं लून करने के लिए थोड़ी ना बुलाए है, ये पार्टी है और काफी शानदार, इसमें गाना भी चलेगा, म्यूजिक भी चलेगा, नचनिया को बुलाए है, टेंशन काहे है, चलो स्टार्ट हो जाओ। मुन्नी बदनाम हुए डार्लिंग तेरे लिए, रोहित भैया विराट कोहली भैया जरा ध्यान दे लोग कि कमरिया करे लापलाप तू लाली पाप लागे लो, रोहित भैया विराट कोहली भैया जल्दी से दे दा हमरा गला सुकल हो, दारू हमरे भी पिला दा, बिरयानी हमरे भी खिला दा, हम गरीब आदमी है यही। अरे अरे रुको रुको, जरा एक शायरी सुना दो, उसके बाद ये सारा खाना तुम ही खाना, दारू भी चखना भी सब पीना, एक शायरी सुना दो। तो आज है अफगानिस्तान वालों, जरा ध्यान से सुनिया कि अफगानिस्तान तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ है, कि अफगानिस्तान तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ है, तुम हमारे बच्चे हो और इंडिया टीम तुम्हारा बाप है। बंद करो, हाथ जोड़ता हूँ, इतनी बेइज्जती तो मैं अपने पूरे लाइफ में कभी नहीं कही। रोहित भाई और विराट कोहली भाई आपने बहुत ज्यादा बेइज्जती कर दी मेरी, मैंने सोचा था कि मुझे पार्टी में थोड़े से दारू मिल जाएगी लेकिन नहीं हुआ ऐसा।